तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा, तू कहे जो वो दिल से करूंगा, जो है तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा। दुख की कोई छाया ना तुझको छुपाए, उड़ती फिरती रहे बस तितलियों से तू, बादल तेरे सर पे सुख शांति बरसाए, खुशियों के पंख मिले परवाज मिले मिले आसमां, लेके उमंगों के पर घूमे सारा ये जहां, कभी तेरी आंखों में आए ना नमी, जो है तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा। ये कौन है? मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड? कैसे फ्रेंड? कहा ना मेरी फ्रेंड है, हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे घर में ये सोती है। ये फ्रेंड केवल नाम के लिए है या एक ही चारपाई में सोने के लिए है? अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला यार मेरे साथ किया और घुमाने इसे ले जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या ये जरूरी है? ये मेरे लिए जरूरी है। चलो राहों में चाहे कोई दीवार आ जाए, ना तेरे बढ़ते कदम को रोक पाएगी, आंखों के सामने पर्दा धुआं का हो, मेरी निगाहें तेरी मंजिल दिखाएगी, मेरी चाहत है तेरी तारों भरी हर रात हो, तेरी दुनिया तेरी चाहत से सदा आबाद हो, आए ना कभी जीवन में ये बेबसी, जो है तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा, तू कहे जो वो दिल से करूंगा, जो है तेरी खुशी वो ही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी। राजेंद्र, ऐश्वर्या को उसके परिवार से मिलाना ये तो वाकई अच्छी बात है, लेकिन गीता का क्या होगा? गीता पे तू अपनी जान छिड़कता है यार,
उसके लिए तूने उसके बाप से चैलेंज भी किया है। अगर ऐश्वर्या के लिए तू अब चला गया तो तेरा प्यार मर जाएगा यार। ऐश्वर्या को मिलाने पर केवल मेरा प्यार ही मरेगा, ना मिलाने पर ऐश्वर्या का पूरा परिवार मर जाएगा। तूने ही कहा ना, ऐश्वर्या के परिवार के द्वारा करीब 3 लाख लोग जी रहे हैं। उन 3 लाख लोगों को मारकर इस प्यार को जिंदा रखने के बजाय उन लोगों की जिंदगी मायने रखती है। उस परिवार का जिंदा रहना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है राजेंद्र, अब जब तूने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे रोकना भी नहीं चाहूंगा। आप चले। नहीं यार, ऐश्वर्या के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है? जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के हालात अच्छे हैं या बुरे वो मुझ तक ही रहने दे। मैं तेरा दोस्त हूँ यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मेरा दोस्त अच्छा रहे, क्या ऐसा मैं ना सोचूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी याद में रोने के लिए कम से कम इतनी बड़ी दुनिया में तू तो रहेगा यार, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ऐश्वर्या, तुमने अपनी इच्छा से एक जीवन जीना चाहा, कामयाब नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों भरी रहे। कम से कम उनकी इच्छा तो पूरी करो। अगर तुम हाँ कहो तो मैं खुद तुम्हें ले जाकर तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। पिताजी के बारे में आप नहीं जानते हैं, अब मैं अगर वहाँ गई तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे मरने का डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी गलती की वजह से पिताजी पर खून का इल्जाम लगेगा, इसी बात का डर है। मेरे ऊपर तुम्हें यकीन है? मेरे ऊपर यकीन है तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे ऊपर आंच आए बिना, तुम्हारे पिताजी को खूनी बनाए बिना सही सलामत तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। पार्वती, पार्वती। क्या हुआ जी? मिठाई वगैरह तैयार है ना? नहीं, अभी तैयार हो रही हैं। पार्वती, लड़के वालों का आने का टाइम हो गया है, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या कर रही थी? अब खड़ी क्यों हो, जाके तैयार करो। मालिक कॉफी तैयार है। मुझे तेरी कॉफी अभी नहीं पीनी है, जा यहाँ से जा। मालकिन, टिफिन के लिए लोग आ गए हैं। गीता मैडम, लीजिए कॉफी पी लीजिए। मुझे कॉफी वॉफी कुछ नहीं चाहिए। ओह, ये आप क्या कह रही हैं? शादी के चक्कर में कॉफी को मना कर रही हैं? आप कॉफी पी लीजिए, आप देख लेना आपकी शादी राजेंद्र के साथ ही होगी, जल्दी पी लीजिए। आप पी भी लीजिए। कॉफी कैसी है? मैंने बनाई है। ए, यहाँ पे खड़े होके बड़बड़ क्या कर रहा है? अब खड़ा क्यों है, जाके मेहमानों को देख, जा। हाँ, अच्छी खातिरदारी करूंगा। यहाँ पर लड़के के पिताजी कौन है? क्यों, मैं ही हूँ। आपको मालिक बुला रहे हैं। कहाँ है वो? अंदर रूम में। जाओ जाओ, अंदर जाकर फोटो देखने पर ही पता चलेगा वो लड़की किससे प्यार करती है। आप लोग पीजिए। अभी तक उसे पी नहीं। छूना मत उसे, उस भिखारी की फोटो को मत छूना। उसकी इतनी भी औकात नहीं है कि कोई उसे फोटो में भी देखे। क्यों बे, तू भिखारी किसको बोल रहा है? ये कौन है पता है? चल। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं, चल, छोड़ दे मुझे। बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके अपने आप को हीरो समझता है? ए, तेरे से ही बोल रहा हूँ।